मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्मा साहब की जो किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और उसमें जो रोटेशनल मैकेनिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स एग्जैक्टली, उसके अगले प्रॉन के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बता देता हूँ प्रॉन नंबर क्या है, 19 है, और टॉर्क के ऊपर बेसिक अप्लीकेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम है। तो पहले आप अटेम्प्ट ले लीजिए, प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा, यही प्रॉब्लम है। पहले आप इसको अटेम्प्ट नहीं लिया है तो अटेम्प्ट जरूर से ले लीजिए, और अटेम्प्ट ले लिया है देन गो थ्रू द डिस्कशन प्रोसेस, राइट। और बार बार मैं कहता रहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं कि बिना अटेम्प्ट लिए डायरेक्टली क्वेश्चन देखना, डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे आप अपने माइंड की ट्रेनिंग को रोकते हैं, आप अपनी एप्टीट्यूड जो डेवलप करने जा रहे हैं या करने वाले या फ्यूचर रेडी एक इंसान बनेंगे एप्टीट्यूड वाला, उससे आप रुक जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो लेक्चर को बेसिकली जो है व्यू देने के लिए आप इसे देखें, ये इससे तो मैं मना ही करूंगा, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस प्रॉन को। और साथ में चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट कर लीजिए अभी, और बेल आइकन जो होता है ना उसको दबा दिया कीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब यहाँ पे कहा गया भाई कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 6 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन का फोर्स है और ये एग्जर्ट करेगी 30 डिग्री पे टू अ रेंज। अब ये देखते हैं, ये प्लम्बर वगैरह यूज करते हैं, वो नट बोल्ट खोलना होता है ना घर में, जैसे नट बोल्ट होते होंगे, कभी कभी प्लम्बर आते होंगे तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह की, इसको रेंज करते हैं, आपने देखा होगा प्लम्बर यूज करते हैं खासकर, तो उस नट को खोलने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नट को फिक्स किया जाता है, वो उसमें एक छोटा सा होता है जिसको आप हाथ से घुमाते हैं तो नट वो आगे बढ़ती है चीजें, और ये नट को फिक्स करती है, फिर वो क्या करते हैं उसको रोटेट करते हैं इसको, ठीक है। और इसका जो बेसिकली ये जो नट का जो सेंटर पॉइंट है ना, वही बेसिकली वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करता है, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये पॉइंट हिलेगा नहीं आपका, राइट। तो नट का ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करता है, क्योंकि इसी के अबाउट ये पूरा रोटेट कर रहा होता है रेंच, राइट। तो कहा गया कि भाई कि जब 6 न्यूटन का फोर्स लगाई गई है एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, तो जो प्लम्बर है उसको जस्ट खोल पा रहा है, जस्ट एबल टू लूजन, जस्ट खोल पा रहा है उस नट को। तो अब कहा गया कि कितना फोर्स एफ लगाया जाए यहां पे, जो कि यहां से इनफैक्ट 16 सेंटीमीटर पे है और ये परपेंडिकुलर टू द रेंच है, राइट, एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, जिससे कि जस्ट इसको खोला जा सके, जस्ट इसको लूज किया जा सके, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई बॉडी को जस्ट मूव कराना होता है ट्रांसलेटिंग मोशन में, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जस्ट रोटेट कराना है नट को, जस्ट खोलना है नट को, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन भले ही चेंज कर दें बट इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क की वैल्यू होगी जस्ट इसको खोलने के लिए हमेशा सेम रहेगी। दैट मीन्स जस्ट जब यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स जब यहाँ पे लग गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इस पॉइंट के अबाउट 6 न्यूटन का कोई टॉर्क लगेगा, वही सेम टॉर्क चाहिए चाहिए इसको जस्ट खोलने के लिए, भले ही फोर्स ऑफ एप्लीकेशन कहीं पे भी क्यों ना हो जाए, भले ही फोर्स ऑफ एप्लीकेशन कहीं पे भी क्यों ना हो जाए, जैसे आप यहाँ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे रखेंगे एफ, तब भी उतना ही टॉर्क चाहिए होगा इस पॉइंट के अबाउट, यहां पे रखेंगे तब भी उतना ही टॉर्क चाहिए होगा। मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट के अबाउट इस 6 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क लगाई जा रही, जैसे कि जस्ट ये खोल रहा है, उतना ही एग्जैक्टली टॉर्क तब भी लगेगा, तब भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा यदि मैं फोर्स को यहां पर लगाता हूं, तो दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे अप्रोच में कि भाई कि हम लोग सबसे पहले जो 6 न्यूटन इस जगह पे लगी हुई है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये जस्ट लूज हो रहा है, वही टॉर्क हम लोग रखेंगे इस केस में भी जब फोर्स यहां पे लग जाए। तो देखिए अब यहां पे क्या हुआ है भाई कि मैं ऐसा करता हूं, ये पॉइंट फिक्स कर देता, तो ये पॉइंट मैंने यहां पे फिक्स करा रहा हुआ, यही पॉइंट है, जो पॉइंट मान लीजिए कि ये ओ है तो ये आपका ओ हो गया, फोर्स लगी हुई है यहां पे, एक 6 न्यूटन का फोर्स लग गया है जो कि यहां पे एंगल 30 डिग्री पे, राइट। अब मैं पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालूंगा, वही टॉर्क हमेशा चाहिए होगा इस पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग इसको लूज करना चाहते हैं, राइट। तो आप ध्यान सुनिए बात को, कैसे होगा टॉर्क, तो मैंने आपको क्या बता रखा है भाई कि इस पॉइंट से जो है इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे कीजिए, 6 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे कीजिए और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए, वो टॉर्क आ जाएगा। पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उसमें समझाया आपको, जरूर से जाके देखिए इससे प्रॉन नंबर 17 और प्रॉन नंबर 18 किस तरह से टॉर्क निकाला जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि भाई कि आपने लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ाया जी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया,
एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप 6 न्यूटन का जो है बेसिकली कंपोनेंट ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए आप ध्यान से, ये देखिए ये पॉइंट ओ है और ये आपका 6 न्यूटन है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इधर इसका कितना हो जाएगा 6 cos 30 और इधर वाला फोर्स कितना होगा 6 sin 30 होगा ही नहीं होगा बताइए यहां पे, और ये राइट 6 sin 30 हो गया। अब 6 cos 30 का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ सिंपली 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा बताइए, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ओ से ही पास कर रहा है, तो यदि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से पास करे जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो हमेशा उस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता है, तो केवल किसका टॉर्क एग्जिस्ट करेगा 6 sin 30 का, और 6 sin 30 के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेसिकली 8 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू दिस 6 sin 30, तो लिखेंगे 6 sin 30 दैट विल बी 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन इनटू 8 सेंटीमीटर, और ये सेंस ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना है वहां पे रखें, ये ऐसे रोटेट करा देगा, इसको ऐसे रोटेट करा देगा, देखिए ऐसे कराएगा, तो यही सेंस ऑफ रोटेशन डेवलप कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट को फिक्स कीजिए जिसके ऊपर टॉर्क लेना है, और 6 sin 30 का ऐसे कराएगा नहीं कराएगा, रोटेशन मोशन प्रोड्यूस करेगा ऐसा यदि रेस्ट में है, तो इसका तो उसी सेंस में टॉर्क होगा इस 6 sin 30 का। बाकी दूसरा तरीका क्या है, यहां से आर वेक्टर डालिए और आर क्रॉस एफ, देखिए आर वेक्टर इधर एफ वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस एफ, देखिए सेंस ऑफ रोटेशन फिंगर का, देखिए मेरा ये कर्ल कैसे कर, ऐसे तो ऐसे होगा, दैट मीन्स डायरेक्शन वाइज तो कहेंगे इनवर्ड, ये जो अंगूठा इनवर्ड जा रहा है, बट सेंस ऑफ रोटेशन किस में है, क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज हो गया। तो इसका मतलब 3 न्यूटन जो ये 6 sin 30 है, इस 6 न्यूटन का जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ लाइन के आर वेक्टर के, वो 3 न्यूटन है, उस 3 न्यूटन की वजह से जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 3 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर, और इतने ही टॉर्क की जरूरत पड़ेगी यदि पॉइंट ओ के अबाउट यदि मुझे इस नट को खोलना है, तो जस्ट खोलना है, तो चाहे भले ही फोर्स कहीं भी क्यों ना लगा दीजिए। अब कहा गया कि फोर्स मैंने यहां लगा दिया जी, तो अब देखिए यहां पे ये पॉइंट ओ है, अब फोर्स अब आपने यहां पे लगाया हुआ है जो यहां से 16 सेंटीमीटर पे है, तो बताइए यहां पे कि इस पॉइंट ओ के अबाउट उस फोर्स एफ का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू 16 सेंटीमीटर, एफ इंटू 16 सेंटीमीटर, यही तो होगा, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये सेंस ऑफ रोटेशन यहां देखिए आर वेक्टर हो गया ये, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर हो गया, और ये ऐसे सेंस ऑफ रोटेशन डेवलप करेगा। अब इसकी वैल्यू और ये वैल्यू डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए, ये दोनों ही वैल्यू डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए, एफ इंटू 16 सेंटीमीटर 3 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए, जस्ट इस नट को खोलने के लिए, चाहे फोर्स कहीं पे भी लगाएं, तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को 3 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर के इक्वल कर देते, मतलब एफ इंटू 16 सेंटीमीटर विल बी इक्वल 3 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड सेंटीमीटर है, तो अपने आप सेंटीमीटर वाली बात खत्म हो जाती है, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू 16 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 3 न्यूटन इंटू 8 सेंटीमीटर विच विल कम आउट, ये हो जाएगा बेसिकली कितना, डिवाइड कर दीजिए एफ की वैल्यू आगे 1.5 न्यूटन, तो एफ जो होगा यहाँ पे 1.5 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे एफ की वैल्यू 1.5 न्यूटन होगी जस्ट इस नट को खोलने के लिए, राइट। तो ये पॉइंट था यहां पे, और इस तरीके से मैंने आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस किया। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, टॉर्क के ऊपर फंडामेंटल क्वेश्चन है, राइट। और इसके थ्रू आप क्या है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग समझते हैं कैसे बेसिकली खोला जा सकता है नट को, उसके ऊपर ये बेस्ट प्रॉब्लम है यूजिंग द रेंच, क्योंकि वहां पे भी टॉर्क की जरूरत होती है। डोर को खोलने के लिए देखिए, घर में दो तरह के डोर हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग डोर होता है, एक रोटेटिंग डोर होता है। स्लाइडिंग डोर जो कि बेसिकली एक चैनल पे चलता रहता है, ऐसे ऐसे स्लाइडिंग डोर होता है, वो प्योर ट्रांसलेटिंग मोशन हो गया। और मोस्ट ऑफ द डोर रोटेटिंग होते हैं, मोस्ट ऑफ द डोर जो होते हैं रोटेटिंग डोर होते हैं, राइट। तो रोटेटिंग डोर को खोलने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है, फोर्स आप अप्लाई करते हैं जिसके टॉर्क प्रोड्यूस होता है। फंडामेंटली यदि कहा जाए कि डोर को रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए, फोर्स या टॉर्क, तो टॉर्क चाहिए, और टॉर्क ऑब्वियस बात है फोर्स लगाने से ही होता है, बट फोर्स यदि आप हिंज पे लगा दें जहां से डोर का अटैचमेंट है, तो नहीं खुलता है ना, नहीं डोर रोटेट होता है, इसका मतलब उस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फंडामेंटली डोर को रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना होता है, समझे बात को। रोटेशन मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क चाहिए, रोटेशन मोशन को रिटार्ड करने के लिए भी टॉर्क चाहिए, रिटार्ड करने के लिए टॉर्क चाहिए। तो सारी बातें मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। रोटेशन मैकेनिक्स का हमने कई सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो जरूर से जाके देखिए, उसमें काफी अच्छे से मैंने समझा रखा है, उसमें और भी नए लेक्चर्स मैं इंक्लूड करूंगा टाइम के साथ। तो अभी उसमें मेरे ख्याल से कई लेक्चर्स हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन मोशन वगैरह के बारे में काफी कुछ समझाया गया, राइट। तो उसको जरूर से देखिए। बढ़ते हैं आगे और अगले कुछ प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं।
राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए प्रॉब्लम वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स लिखिए, लोगों को हमारे काम के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे साइट के बारे में जो einsteinclasses.com है उसके बारे में जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में सबको बताइए, ताकि हमारा काम उन तक भी पहुँचे, वो भी हमारे काम का फ़ायदा ले सकें, राइट। तभी जा करके जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उसका जो है सक्सेस मिलेगा, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम के ऊपर, राइट। आपने अटेम्प्ट जरूर से ले लिया होगा प्रॉब्लम का, और अटेम्प्ट लेने के बाद डिस्कस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता ही रहता हूँ, राइट, और ये मैं कहता ही रहूंगा। और देखिए क्या कहा गया, प्रॉब्लम नंबर 20 है। प्रॉब्लम नंबर 20 में कहा गया भैया इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि आप बार बार देखते ही हैं, कई दफे ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन जैसे स्ट्रक्चर पे कई सारे अलग अलग तरह के फोर्स लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जैसे 10 न्यूटन यहाँ पे लग गया जी, यहाँ पे लग गया आपका 20 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 15 न्यूटन, राइट। और डिस्टेंस वगैरह दे रखा है, डिस्टेंस हालांकि मैं लिखा नहीं हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है, राइट, और ये वाला 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। हालांकि ये एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, राइट, ये दे रखा है। कहा गया क्वेश्चन में कि भाई कि नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ बताइए। अब मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको, आपको क्या करना है, जब भी नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, कई सारे फोर्सेस लगे हैं, तो आप क्या करें, सारे फोर्सेस को भूल जाए, केवल एक फोर्स के ऊपर काम करें आप, एक फोर्स के ऊपर, उस फोर्स का टॉर्क निकालें, फिर उसको हटाइए, उसको भूल जाइए, फिर सेकंड फोर्स को निकालिए, मतलब एक बार में केवल एक ही फोर्स के ऊपर सोचना है आपको, और उसी फोर्स के टॉर्क को लेके काम करना है। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड और उसकी वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब डायरेक्शन जो हो रहा है वो लिख दीजिए। अब फिर लास्ट में नेट टॉर्क लिखिए। तो एक एक करके बात करते हैं, राइट। देखिए यहां सबसे पहले 5 न्यूटन का देखिएगा ध्यान से, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, बाकी को भूल जाइए, 10 न्यूटन को भूल जाइए, 15 न्यूटन भूल जाइए, 20 न्यूटन भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए, केवल 5 न्यूटन के बारे में सोचना है आपको। और ये 5 न्यूटन का टॉर्क ध्यान से देखेंगे तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, पास कर रहा है नहीं कर रहा है बताइए, आपको लाइन ऑफ एक्शन आप लेके जाएंगे तो पॉइंट ओ से पास कर रहा है। तो हमने बात क्या कर रखी है, जो पीछे के सारे लेक्चर देखिए, पिछले जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं उसमें हमने डिस्कस करा हुआ है कि यदि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट का टॉर्क निकालना होता है, तो हमेशा उस फोर्स का टॉर्क जीरो होता है, वो कभी भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये वाली बात है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, मैं यहां पर पकड़ा हुआ, देख रहे हैं यहां पर पकड़ा हुआ मैं, तो इसी के देखिए ये रोटेशन है, ये रोटेशन हो रही है, टॉर्क लग रही है इसलिए। लेकिन मैं यदि यहां फोर्स लगा दूं तो क्या आप रोटेट करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट को पे को मैं पकड़ा हुआ हूं, मतलब इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से उसी से पास कर रहा है, राइट। इसलिए इस फोर्स का कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिकल सेंस में मैं बात कर रहा हूं। बाकी यदि देखा जाए तो आर वेक्टर एफ वेक्टर पैरेलल एक दूसरे के, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला है, यदि यहां से ऐसे करेंगे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर एफ वेक्टर विल बी बेसिकली एंटी पैरेलल का आ जाए, इसलिए टॉर्क वहां पे जीरो है, ये भी सोच सकते हैं आप। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, तो इसका मतलब इस फोर्स का टॉर्क सिंपली जीरो, तो टाउ वन यहां पे जीरो हो गया। टाउ वन इज द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट द पॉइंट ओ। अब हम लोग बात करते हैं 15 न्यूटन, केवल 15 न्यूटन के बारे में सोचिए, राइट, और इस पॉइंट ओ के अबाउट, तो बाकी सबको अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो 15 न्यूटन, देखिए पॉइंट ओ ये है, राइट। अब 15 न्यूटन यहां पे लगा हुआ है, ये वाला समझे, ये वाला पॉइंट हमारा 15 न्यूटन का है, बाकी को भूल जाइए, राइट। तो क्या है भाई कि हमने क्या डिस्कस करा है, फिर से बताइए, लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे कर सकते हैं, और इसके ऊपर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। कहने का मतलब है कि देखिए इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे किया, मतलब इधर करा और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, तो टॉर्क क्या होगा ड्यू टू दिस फोर्स, सिंपल सी बात है, फोर्स 15 न्यूटन इनटू दिस डिस्टेंस, इनटू दिस डिस्टेंस, राइट। और ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये 6 सेंटीमीटर, ये 37 डिग्री है, तो ये 6 cos 37, दिस वन इज 6 sin 37, बहुत आसान है, sin 37 डिग्री विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर,
तो कितना हो जाएगा 6 sin 37, मतलब 6 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻²× 37 डिग्री। आपको पता ही है 37 डिग्री यहाँ पे होता है 3/5, ये आपने लिख दिया। तो इट विल कम आउट कितना, बेसिकली देख लिए 3 15/5 = 3 × 6 = 18 18 × 3 = 54, तो 0.54 न्यूटन मीटर। अब आता है यहां पे सेंस ऑफ रोटेशन, ध्यान से देखिए, यदि केवल यही फोर्स लग रहा हो, कोई और ना लग रहा हो, तो पॉइंट ओ के कबा के बोल जाइए, पॉइंट ओ के अबाउट ये 15 न्यूटन ऐसे रोटेट करा देगा इस बॉडी को, कराएगा नहीं कराएगा, देखिए जैसे मैं यहां पकड़ा हूं, यहां पे 15 न्यूटन लगाया, देखिए रोटेट करा दिया इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखिए ऐसे रोटेशन है, ऐसे रोटेशन है या नहीं है। और यदि बॉडी रेस्ट में रहती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, तो क्या होगा, वो उसी रोटेट करेगा जिस वो टॉर्क लगेगा उस फोर्स का। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल वे में सोचिए तो इसका मतलब इसका ऐसा होगा 0.54 न्यूटन, राइट। एक तो ये सोच सकते हैं, दूसरा आर क्रॉस एफ से भी देख सकते हैं, आर वेक्टर एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर इसका एक तरह से ये और एफ वेक्टर ये, देखिए यहां पे आर वेक्टर ऐसे हो गया, एफ वेक्टर यदि मैं सॉरी ये एफ वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे देखिए, देखिए इसी ओर कर रहा है रोटेशन, कर रहा है नहीं कर रहा बताइए, हो गया। मतलब एक बार में केवल एक ही फोर्स के बारे में सोचिए और उसी फोर्स का टॉर्क निकालिए, बाकी को भूल जाइए, तब कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगा आपको, बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल गए क्योंकि दोनों निकाली, इसको भूल जाइए, इसको बाद में देखेंगे। 10 न्यूटन का टॉर्क, अब मुझे बताइए पॉइंट ओ के बॉर्ड यदि इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन ऐसे लेगा तो ऐसे रोटेट करा देगा नहीं करा देगा बताइए, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा नहीं कराएगा बताइए, कराएगा ये, इसका इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज में होगा। और क्या होगा, ऐसे 10 न्यूटन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4 मीटर, तो ऐसा जाएगा 10 × 0.4 दैट मीन्स 4 न्यूटन मीटर, तो 4 न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे टॉर्क। मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं ना, बात आप मेरी, 10 न्यूटन × 4 सेंटीमीटर, अच्छा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 0.04, तो 0.4 होगा, 0.4 न्यूटन मीटर फोर्स, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 × 10⁻², तो जब 10 न्यूटन करेंगे और 10 × 0.04 करेंगे तो इट विल कम आउट 0.4 न्यूटन मीटर। और इस फोर्स का जो टॉर्क है पॉइंट ओ के बॉर्ड देखेंगे तो ये इस बॉडी को ऐसे रोटेट करा देगा, बाकी को भूल जाइए, बाकी को भूल जाइए, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन होगा, राइट। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला 20 न्यूटन का फोर्स। तो 20 न्यूटन का फोर्स आपका इस तरह से लग रहा है, जिसका आप ध्यान से देखेंगे तो इसका यदि 150 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी सिंपली 30 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट 20 cos 30 × 3/2, और दिस वन इज 20 sin 30, जिसको ऐसे लगा सकते हैं आप 20 sin 30, इसको ऊपर ले जा सकते हैं ऐसे 20, तो 20 sin 30, तभी तो ऐसे जाएगा यहाँ पे, राइट, 20 sin 30 10 न्यूटन। अब मुझे बताइए इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, तो उसको भूल जाएंगे, इसका तो टॉर्क जीरो हो गया। अब 10 न्यूटन का यहां पे मैंने फोर्स का कंपोनेंट ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे, मेन बात है कि आर वेक्टर एफ वेक्टर को परपेंडिकुलर करना है, या तो आप लाइन ऑफ एक्शन को आप ले जाइए, देखिए जैसे इसका लाइन ऑफ एक्शन भी ले जा सकते हैं, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे, ये कर सकते हैं, या जो मतलब आसान हो जाए मैथमेटिकली, या दूसरा है कि भाई कि फोर्स का हमने ले लिया 20 न्यूटन का कंपोनेंट ले लिया, एक ये कंपोनेंट जो कि पॉइंट ओ से पास कर रहा है 20 × √3/2, तो ऑब्वियस बात इसका टॉर्क जीरो, 10 न्यूटन का होगा जी, क्योंकि 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है, कितना परपेंडिकुलर है बताइए 4 सेंटीमीटर, तो पॉइंट ओ के अबाउट ये 10 न्यूटन ऐसे रोटेट करा देगा, समझिए बात को, जैसे ये देखिए ये लिया मैंने ऐसे, देखिए इधर लग रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा रोटेट, इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे जाएगा, और 10 न्यूटन × 0.04, तो फिर से 0.4 यहां पे आ जाएगा आपका 0.10 × 0.4 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा आपका, राइट। यहां पे ये वाली बात है 4 × 10⁻²× 10, तो 0.4 न्यूटन मीटर आ गया आपका, राइट। तो देखिए अब यहां पे नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, इसके टॉर्क का सेंस ये है जी, इसके टॉर्क का ये सेंस है, इसके टॉर्क का सेंस अपोजिट है, ये प्लस ले लिया तो ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, देखिए ये प्लस ये माइनस, इसका तो टॉर्क जीरो ही हो गया, तो अब बताइए मान के देखिए यहाँ पे टॉ 1 0, टॉ 2 इज दिस वन, टॉ 3 इज दिस वन, दिस वन इज टॉ 4, अब नेट टॉर्क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
बताइए, दिस वन यदि माइनस लेते हैं ये दिस वन प्लस, तो दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, तो ये दोनों तो कैंसल आउट ही हो गया, 0.54 न्यूटन मीटर, और नेट इफेक्ट ऐसा देगा इसका, तो इस पॉइंट के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा होगा, इफेक्टिवली ऐसे घूमेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालना इस चैप्टर का मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाकर रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर आपकी अच्छा कमांड कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल बात होता है टॉर्क निकालना। तो मैंने कई प्रॉब्लम के थ्रू, जितने भी पीछे प्रॉब्लम देखेंगे आपका, ये 17, 18, 19, 20 सब में यही वर्मा साहब ने दिया कि भैया टॉर्क निकालना तुम सीख लो, आप टॉर्क निकालना सीख लो तभी आगे जाके वर्किंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, हमेशा दिक्कत आएगी। अब ऐसे मैं आंसर इसका देख लेता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 20 का 0.54 न्यूटन मीटर टॉर्क है, राइट। अब किस सेंस में होगा, तो देख ही रहा है आपका कि भाई कि इस सेंस में, इस पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रक्चर ऐसे जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस पॉइंट को डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से सारी बात तो समझ में आ रही होगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फटाफट चैनल में, मतलब वीडियो को लेकर के आप क्या करेंगे, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में जितना ज्यादा हो सके बताइए, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके वीडियो लेक्चर्स कई सारे बने हुए हैं, 1500 से ज्यादा वीडियो हम लोगों ने आपके लिए बना के रखा है, देखिए उसका यूज कीजिए अपनी पढ़ाई में, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे कौन सा प्रॉब्लम है भाई। तो आगे 21st, 22nd प्रॉब्लम, वो सब भी डिस्कस आने वाले सेशन में मैं करने जा रहा हूँ, राइट। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोब एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं, और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोब सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोब के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेईई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेईई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेईई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेईई मेन और आईआईटी जेईई दो है, जेईई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमने हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपके जेईई मेन में एडवांस में आता रहता है,
राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI ट्रिपल एनालिसिस, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योर सेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे, उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।